नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। आमला। अच्छा आमला जी, आप किस गांव की रहने वाली हैं? दिहवा की। दिहवा की। ये जो हम देख रहे हैं उस पिकअप में जो लड़के की लाश है, वो लाश किसका, कौन है? आपका लड़का है कि कौन है? हमारा लड़का है। आपका लड़का है। अच्छा ये बताइए, क्या मामला है कि वो लड़का मारा गया है? ये साहब, हम लड़का हमारे 5 बजे घरे आई बा। 5 बजे सुबह की 5 बजे शाम को? 5 बजे शाम को। वो लड़का कहाँ गया था कि वो 5 बजे शाम को आया? घर ही रहल बा, ताकि घूम फिर के आई बटे, मतलब आके खाना खाइले बा। सुनी, आके खाना खाए, मतलब कि वो लड़का घर ही पर था। हाँ। लेकिन घर से कहीं टहलने वहलने के लिए गया होगा, यही ना? हाँ, यही। टहल वहल करके वो फिर 5 बजे शाम को आया है, और आने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या किया वो? खाना खा के फिर लड़का चल गए घर से 6 बजे ले यहाँ रहल बा। मतलब कि खाना खाने के बाद फिर लड़का घर से बाहर कहीं चला गया। उसके बाद उस लड़के के बारे में आपको पता आता नहीं कि 6 बजे ले लड़का घरे रहल बा, 6 बजे के बाद रामलीला में गई बा। मतलब कि ये जो दुर्गा पूजा का रामलीला लग रहा है, वही रामलीला देखने के लिए वो कहीं गया था, यही ना? अच्छा, रामलीला देखने के बाद ये आपको कब जानकारी हुआ कि आपके लड़के को मार करके फेंक दिया गया है? 3 बजे भोर में। 3 बजे भोर में कैसे आपको जानकारी हुआ? आप जा करके मौके पर देखी कि कोई गांव का या परिवार के लोगों ने देख करके आपको अवगत कराया? हम के केहू नहीं के बतौले। अच्छा, आपस में जो बात करता लोग, दो चार आदमी बगल में बात करता, तो बतिए के बस हम सुन ले बानी। अच्छा, मतलब कि आपको कोई बताया नहीं है? ना। काना फूसी कोई आपस में कर रहा था, उसी काना फूसी को सुन करके आपने मौके पर गयी। अच्छा ये बताइए, काना फूसी करने वाले लोग कौन थे? परशुराम सिंह। चलिए बढ़ते जाइए। दुखरन। ठीक। शिव जी। हाँ। अच्छा ये परशुराम सिंह, दुखरन और शिव जी कौन है? राजपूत है। राजपूत, वो तो हम मान रहे हैं, जब सिंह लग गया तो है राजपूत है लोग, लेकिन आखिर में क्या आपसे कोई उनसे अदावत था या दुश्मनी था? बोलिए। कुछ नहीं। तो फिर ये इतना बड़ा हादसा वो लोग कैसे कर दिए? अब उहे लो बताई लो, हम का बताएं, कर जाएंगे कहां? मतलब कि आप इस बर्दात होने से पहले आपके यहाँ वो लोग किसी प्रकार का उलाहना उलाना नहीं दिए हैं? ना। नहीं, मतलब कि कोई विवाद भी नहीं है, आपस में मनमुटाव भी नहीं है, किसी प्रकार का तनाव भी नहीं है, यही ना? हाँ। लेकिन बर्दात में काना फूसी सुन करके मतलब कि आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं, यही ना? आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम है क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।